डेयरी उद्योग को कई लोग कच्चा बिजनेस मानते हैं और पशुपालन के प्रति नकारात्मक रुख भी रखते हैं। लेकिन जहानाबाद के ब्रजकिशोर शर्मा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने डेयरी पशुपालन को न सिर्फ एक पक्का उद्योग साबित किया है बल्कि समृद्ध जीवन का आधार भी बनाया है। जीवन बसर चलाने के लिए उन्होंने कई तरह की कंपनियों में नौकरी की। वे 2009 और 2014 में पैक्स अध्यक्ष भी रहे, लेकिन न तो किसी काम में मन से संतुष्टि मिली और न ही वह टिकाऊ रहा। उनकी इच्छा हमेशा से ही गांव में ही रहकर कुछ अलग करने की थी, अतः वे 2012 में एक चावल मिल की स्थापना कर चावल बिक्री का काम शुरू किया। इस क्षेत्र से जुड़ने पर उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद के वैज्ञानिकों ने भरपूर सहयोग किया और चावल मिल के साथ साथ उन्हें डेयरी उद्योग चलाने के लिए भी प्रेरित किया। वैज्ञानिकों से प्रेरित होकर वे कृषि विज्ञान केंद्र से डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और वर्ष 2013 में 2 गाय से डेयरी उद्योग की स्थापना की। वे लगातार कृषि विज्ञान केंद्र गांधार में आकर तकनीकी जानकारी हासिल करते रहे। जानकारी नहीं था, लेकिन जानकारी लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लेना पड़ा चलाने के लिए। दूध बिक्री में या दूध जानवर को रखने में, खिलाने पिलाने में परेशानी होती थी, लेकिन जानकारी हासिल करते रहे। उन्होंने मात्र 2 गायों से डेयरी की शुरुआत की जिसमें उन्हें सफलता मिली। इससे उत्साहित होकर वे धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। आज उनके पास 40 से भी अधिक गायें हैं। डेयरी उद्योग को सिर्फ दूध उत्पादन से ही लाभकारी नहीं बनाया जा सकता, अतः इसके गोबर को भी सदुपयोगी और बिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने वर्मी कंपोस्ट प्लांट और गोबर गैस प्लांट भी लगाया, जिससे कि वे जैविक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। शुरुआत में उनकी आमदनी 2 गायों से मात्र 12,000 रुपए थी, लेकिन आज उनकी आय डेयरी से लगभग 1,00,000 रुपए प्रति माह है। जहां वे पहले चंद पैसे के लिए तरह तरह की कंपनियों और धंधों में भाग्य आजमा रहे थे, वहीं आज शान से अपने गांव में पशुपालन कर लाखों रुपए अर्जित कर रहे हैं। वे अब डेयरी उद्योग को और भी विस्तार देने की योजना बना रहे हैं। भविष्य में हमारी योजना है इससे दूध का प्रोडक्ट तैयार करने का, घी, पनीर, दही, आइसक्रीम प्लांट, दूध पैकेजिंग। इसके लिए मैं पशुपालन विभाग से बिहार सरकार में अप्लाई भी किए हुए हैं। और इसके साथ ही वे दूध उत्पादन जैसे खोया, पेड़ा, पनीर आदि को बनाकर सीधा बाजार में उतारने का मन भी बना रहे हैं। इस आय का उपयोग कर वे अब बागवानी भी कर रहे हैं। आज उनके पास आम, अमरूद, पपीता, शीशम और सागवान के लगभग 500 पेड़ हैं। उनके इस सफल उद्यम के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किसान मेला 2017 में कृषि उद्यमिता के लिए कौशल विकास का पुरस्कार भी दिया गया।